विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर समार उताद वैद्युतान लाल। इतना महत्व बढ़ा करके तो जाना ही था, तो उस विषैले कालिया को जो है बाहर क्यों फेंका, अग्नि लगी उसका पान क्यों किया, अघासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर आदि आदि दैत्यों से हमारी रक्षा क्यों की। हे प्रभु इस भाव में मत रहना कि आप नंद नंदन हो, आप यशोदा नंदन हो, नखलु गोपिका नंदनु भवा अखिल देही नाम अंतरात्मा। बोले शरीर से आप जो है नंद नंदन हो सकते, लेकिन आत्मा से आप अखिल विश्व के जो है स्वामी हैं। प्रभु आप मन में विचार कर रहे होंगे ये कैसी प्रजांगनाएं हैं, मुझे अपना भक्त भी बताती हैं और मेरे विरह में जीवित भी हैं। भक्त तो मेरा दशरथ था जो एक पल भी जो है मेरे विरह को सहन नहीं कर पाया, राम राम का स्मरण करते निष्प्राण हो गया। ये कैसी भक्त हैं जो जीवित भी हैं रो भी रही हैं, भक्त भी बताती हैं। बोले महाराज दशरथ तो आपके विरह को सहन न कर पाए, लेकिन उस जानकी का क्या जो टकटकी लगा करके अशोक वाटिका में आपका ही जो है मार्ग निहार रही थी, टकटकी लगा करके आपको देख रही थी, राम आएंगे 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 आएंगे। और हनुमान जब अशोक वाटिका में गए महाराज, और अशोक वाटिका से जब लौट के आए तो तब प्रभु ने पूछा, बोले जानकी मेरे विरह को सहन न कर पाई होगी। बोले प्रभु स्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन करें क्या कि नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र जाई प्राण के। बोले तुम्हारा नाम रूपी पहरादार जो है वो पहरादारी कर रहा है, इसलिए प्राण जाए तो जाए का। ब्रजांगनाएं कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूय गृणन्तते भूरिदाजना। बोले हमारे शरीर में भी प्राण तभी तक है जब तक आपका कथा आपकी कथा आपका सत्संग है, लेकिन आप ना आए तो हम निष्प्राण हो जाएंगी। और महाराज इतने पर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए, तब सुखदेव स्वामी कहते हैं रुदु सुस्वरम राजन, भगवान के विरह में ब्रजांगनाएं रोने लगी और रोती बिलखती हुई ब्रजांगनाओं को जब श्याम ने देखा तो तासा माबिर भुच्छौरी समयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रगवे साक्षात मन्मत मन्मत। और तब भगवान उन ब्रजगांव बामाओं के मध्य में प्रकट हो गए। और प्यारे देखे समी समय का बहुत अभाव है, इस लीला के ज्यादा विस्तार में न जाते हुए राजर्षि परीक्षित इस लीला को श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित के मन में शंका हुई, बोले गुरुदेव आप तो कह रहे थे भगवान जो है योगेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन ये तो जो है पराई स्त्रियों के गले में गलबैया दे करके नाच रहे हैं, ये कहाँ के धर्म अवतारी पुरुष है, कहाँ के योगेश्वरता है, आप मेरी शंका का समाधान करें। तब महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन ईश्वर कोटि के जो परमात्मा है वो यदि हमारी दृष्टि में कहीं दोषी भी दिखलाई पड़ रहे हैं तो भी उनको दोष नहीं लगता, क्यों? बोले तेजी यसाम यथा वन्ने सर्वभू, बोले अग्नि जिस प्रकार सब कुछ जला करके भस्म कर देती है। अच्छा अग्नि में आप देखो कूड़ा भी जलाते हो, अग्नि में हवन भी करते हो, पर कूड़े जलाने से अग्नि अपवित्र नहीं होती और हवन करने से अग्नि पवित्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि अग्नि पवित्र अपवित्र दोनों अवस्थाओं से सता सर्वथा परे है। और अंत में तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन इस रास के प्रसंग को जो जीव सुनता है उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? बोले विक्रीडितम ब्रज बदो विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो निश्रुणु याद्दवर्थ भेद भगतिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्योगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। जो श्रद्धा से भाव से इस रास के प्रसंग को सुनता है उस भक्त के जीवन में भक्ति घर कर जाती है।